ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम खुश हो रहे हो। अभी तुम्हारी एज क्या है? इस एज में तो आदमी नए ड्रीम डिजाइन करता है, उन ड्रीमों को पूरा करने का ट्राई करता है। ड्रीम तो जी मैं बचपन में देख लिया था। ये देख रहे हैं आप, इस मिट्टी को तुम ड्रीम बोलते हो? ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है जिसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला है। इसे मैं हमेशा के साथ रखता हूँ ताकि ये मेरे सपने, मेरे मकसद और मेरे वजूद की याद दिलाते रहे, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी फांसी से आजादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की, मुझे पता है मेरी कुर्बानी हुई जाया नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, यू आर ग्रेट ह्यूमैनिटी, बस एक बार हमारी गवर्नमेंट को अपोलॉजी लेटर लिख के दे दो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें फांसी ना मिले। जब मैं 3 साल का था, मेरे चाचा जी स्वर्ण सिंह शहीद हो गए। जब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी। जब मैं बस 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला बड़ा हो, आप सोच भी कह सकते हैं वो आपकी सरकार को माफी नामा भेजेगा। अगर आज रात तक तुम्हारा इरादा बदले तो बता देना, मैं पर्सनली जाकर ऑफिसर से बात करूंगी। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन है उल्फत, मेरी मिट्टी से भी वतन है खुशबू आएगी। तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, ना हो यूं ही करो। भगत सिंह, योर लास्ट विश, कोई अंतिम इच्छा है तुम्हारी? शर्फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। बेटा कौन नहीं है?